हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से गेस्ट अश्वेग में स्वागत है। तो फ्रेंड, अब आपको ले चलते हैं रामलीला ग्राउंड की तरफ। यहाँ पे रोडू का मेला लगता है जो कुछ दिन पहले था, तो यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। चारों तरफ देख सकते हैं आप, और यहाँ पे स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ का सामने का व्यू काफ़ी अच्छा है। ऊंची ऊंची मंजिलें हैं, देख सकते हैं आप चारों तरफ का दृश्य। कुछ टाइम पहले यहाँ पे रोडू का मेला हुआ था, यहाँ पे काफ़ी कलाकार आए थे, और यहाँ का सामने का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो ये हमारे दुल्हन जी ज्योति, और ये इनके साथ है मेरे वाइफ जो अभी फोटो शूट कर रहे हैं। हमने सोचा कि इनके साथ लास्ट टाइम फोटो ले लेते हैं। तो ये है शीतल गेस्टा, ज्योति काफ़ी अच्छी लग रही है आज। अभी इन्होंने पूरी तैयारी नहीं की है, जब पूरी तैयारी करेंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे हमारा फोटो शूट चला है। ये है हमारे सूरज तनवर जी, अब इनका भी फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। काफी अच्छी स्माइल है इनके चेहरे पे, ये देखिए क्या स्माइल कर रहे हैं। और ये है मेरा भाई निखिल गेस्टा, यहाँ पे फोटो शूट हो रहे हैं। और यहाँ पे फोटो शूट के बाद सूरज धनवर जी इशारा कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ये है मेरी सिस्टर के देवर जो अभी अपनी बेटी को खिला रहे हैं, छोटी सी क्यूट सी अंशी है इसका नाम, काफी अच्छी स्माइल करती है। और ये है अंशी के मम्मी आ रहे हैं, बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारी है। फ्रेंड, जो हमारे सूरज तनवर जी है वो थोड़े से उदास हो गए, तो मैं उनकी उदासी जानना चाहूँगा, क्या प्रॉब्लम है उनकी आज, कभी वो इतने उदास तो नहीं होते, देखते जरा। हाँ जी सूरज तनवर जी, क्या हो गया? सभी भाई बहन को मेरा सादर नमस्कार। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, हमारे विक्रांत जी का चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनती है। और ये मेरे बहुत अच्छे खास मित्र हैं, काफ़ी दूर से हैं, और हम बहुत ज़्यादा दूर से हैं, तो सपोर्ट कीजिए आप भी, हम भी सपोर्ट करते हैं। आज हम फिलहाल शादी के लिए जा रहे हैं, सब बिल्कुल रेडी है सब, और मेरा भाई भी रेडी है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे कुछ फ्रेंड हमारे इधर भी बैठे हैं, हमारे कुछ फ्रेंड यहाँ बैठे हैं, देख सकते हैं आप, नहीं देख सकते वैसे। ये देखिए हमारे, ये है राहुल जी रामपुर से है, और यहाँ पे देखिए मोनू भाई, ये भी रामपुर से है, और इनको तो जानते ही आप, ये तो मेरे साथ साहब है, ये तो ठेक से है। और अब आपको ले चलते हैं हम अंदर की ओर, अंदर मम्मी वगैरह तैयार हो रहे हैं, और सब मेरे वाइफ वगैरह भी तैयार हो रहे हैं, तो मैं आपको बैकग्राउंड दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड आपको अंदर की ओर ले चलता हूँ मैं। देखिए हमारे शीतल गेस्टा जी भी तैयार हो गए, आपको हेलो कर रहे हैं, और मेरी मम्मी जी भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं देख सकते हैं आप, और मेरी सिस्टर भी तैयार ही हो रहे हैं, और यहाँ पे परू भी तैयार हो गया है। परू हेलो करो। और यहाँ पे आंचल गेस्टा काफी अच्छे लग रहे हैं आज, देखिए कितना अच्छा मेकअप किया है आंचल जी ने आज, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत क्यूट। तो फ्रेंड आपको ले चलते हैं हम अगले रूम की तरफ। तो फ्रेंड अब आपको ले चलते हैं हम जहाँ पे शादी हो रही है, ज्योति के घर, और यहाँ पे ज्योति को तैयार कर दिया गया है पूरी तरह से, और यहाँ पे अब विदाई की तैयारी हो रही है, सब ज्योति के साथ फोटो ले रहे हैं, और ये घड़ी बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है लड़कियों के लिए, बहुत ही हिम्मत करनी पड़ती है, अपने माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ता है। और ये इनके सिस्टर और जीजू है जो भी फोटो खींच रहे हैं साथ में। और अब यहाँ से लड़की को दूसरों के घर जाना होता है, और दूसरे को घर को अपना घर समझना होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ज्योति के चेहरे पे खुशी भी है और दुख भी बहुत है, और उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। ये घड़ी बहुत ही मुश्किल की घड़ी होती है लड़कियों के लिए। और ये हमारे सूरज तनवर जी जो ज्योति की हेल्प कर रहे हैं, जो उनके गले पे पैसों की माला लगी है उन्हें एक साइड रख लिया ताकि ज्योति के गले में ज़्यादा लोड ना पड़े। और यहाँ पे सब फोटो शूट कर रहे हैं। और ये यहाँ पे ज्योति की आखिरी घड़ी, और इसके बाद ज्योति की विदाई हो जाएगी। सब यहाँ पे आके ज्योति को गिफ्ट दे रहे हैं। और ये है मेरा भाई और मेरे भाई की वाइफ नेहा गेस्टा। ज्योति बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। मैंने कहा था आपसे कि जब पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी तो और भी सुंदर लगेगी, तो बहुत ही अच्छी लग रही है, हम कह सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और वो भी क्यों ना, आज जिनकी मैरिज है इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है लड़की के लिए, ये दिन काफ़ी अच्छा होता है। और ये है मेरे मम्मी और पापा, और ये है हमारा छोटा सा नेविल गेस्टा, और मेरे मम्मी पापा यहाँ पे टीका दे रहे हैं शगुन कार्ड में, और नेविल गेस्टा भी देख रहे हैं यहाँ पे कैमरे की तरफ। काफ़ी अच्छा लगता है जब अपनों का प्यार मिलता है, और बड़ी दूर दूर से आते हैं सब। और ये है हमारे शीतल गेस्टा, मेरी कज़न सिस्टर, और आंचल गेस्टा। ये है इनके सिस्टर और जीजू। और ये है ज्योति के मम्मी, इनके चेहरे पे काफ़ी उदासी है, और उदासी क्यों ना हो, आज इनकी बेटी दूसरे घर जा रही है तो बहुत ही दुख की बात है, और खुशी भी है क्योंकि वो अपना नए घर जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की नई सीढ़ी चढ़नी होगी आज से उन्हें। और इस टाइम वो उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन्हें रोने का मन कर रहा है,
हैं शांति आंटी, जो उनके पड़ोस में रहते हैं ज्योति के। सबके चेहरे में आज उदासी है। ज्योति ने आंसू साफ कर दिए उनके। ज्योति को नीचे बिठा दिया गया क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा अपने आप को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। यह ज्योति के मामू के बेटे, मतलब कि बुआ के बेटे, उनके बुआ ज्योति अपने आंसू को साफ करते हुए। और यह है ज्योति की फ्रेंड, उनकी मासी की बेटियां, तो फ्रेंड अब यहाँ से बारात चल पड़ी है। जो ये बारात जा रही है, ये जा रही है कांडा, जो रोडू में ही पड़ता है गांव। 20-25 मिनट का रास्ता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का व्यू जाते हुए। ये है मेरे फ्रेंड सुनील चोपड़ा, और इनके साथ जो बैठे हैं ये मेरे पापा जी, और ये है मेरे साले साहब, और मैं भी इसमें ही बैठा हूँ जो आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड मेरा ये आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसी तरह आप सबका प्यार मिले। ओके बाय, टेक केयर।